अच्छा कौन कौन सी कढ़ाई में बनी है? और ये भी किसी भी कीमा है, कीमा उसमें कबाब डाले, कबाब ये चने की दाल भी डाल रहे हैं। ये सीख कबाब कौन से हैं? ये बारबेक्यू होते हैं या वैसे ही? हाँ पहले से पक के होते हैं, कोयलों पे बनाते हैं पहले। हाँ हाँ बिल्कुल छोटी सी शॉप है ये, और छोटी छोटी कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं और कोयलों पे पक रही हैं कढ़ाइयाँ, और फुटपाथ पे एक साइड पे भी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और दूसरी साइड भी खाना खा रहे हैं, और खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है यार। यहाँ पे कीमे की कढ़ाई भी बन रही है, साथ सी कबाब भी हैं इनके, और कुछ टिक्के लगते हैं कोयलों पर, उसके बाद ये कढ़ाई में बनाते हैं उनको। इन कबाब को अभी इनसे मैंने पूछा है तो ये बता रहे हैं यार कि चिकन के जो टिक्के हैं, कबाब और टिक्के, वो सिर्फ मंगल और बुध वाले दिन होते हैं, क्योंकि मंगल और बुध वाले दिन यहाँ पे गोश्त नहीं मिलता, इसलिए बाकी सारे दिन जो है वो यहाँ पे गोश्त ही चलता है। हाँ जी नाज़िर भाई, आपने ट्राई किया हुआ ये? हाँ मैं अक्सर इधर आता हूँ, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। ये जो लोबिया कढ़ाई करके ना इसमें ये कबाब भी डालते हैं और टिक्की भी डालते हैं, उसमें कीमा भी है और इसमें दाल भी चने का ये भी डालते हैं, इसकी बहुत ज़बरदस्त स्पेशलिटी है ना। अच्छा। ये जब जितना लेट होता है तो इधर ये रोड में कुर्सियाँ लगाते हैं, इधर बहुत से लोग आते हैं। लोबिया वाली कढ़ाई भी है और दाल चने वाली कढ़ाई भी है, और उसमें भी ये टिक्के वगैरह डालते हैं, सीख कबाब डालते हैं। और ये बताएं कि प्राइस के हिसाब से कैसा है? हाँ एक बंदे का खुराक आपको 150, और अगर उसमें गोश वगैरह कबाब डाल के तो 200 तक एक बंदे का। हाँ तो इसलिए इधर मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इधर सारे हॉस्टल है और स्टूडेंट आते हैं, तो ये एरिया कौन सा है? ये एरिया ये तो फिर बहुत स्कूल है, और हमारे जो पीछे है ये गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर का एरिया है, और ये बहुत ज़्यादा बिजी एरिया है, तकरीबन रात को 1 बजे तक इधर लोग आते हैं और इधर खाना खा के वापस चले जाते हैं। ये पेशावर का फकीराबाद का एरिया है जी, फकीराबाद, और गवर्नमेंट कौन सा कॉलेज है? डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बिल्कुल पास ही है ये।